देखिए, रात के 10:30 बजे पुलिस जो है प्रोफेसर रतन लाल जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं हिंदू कॉलेज में, उनको गिरफ्तार करती है। तो एक तरीके से 10:30 बजे करना एक तरीके से जैसे चोरी सरकारी कर रही है, या बीजेपी आप सोचिए कि पुलिस जो है रात को 10:30 बजे उठा रही है किसी को, तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, एक तो डर का माहौल बनाया जा रहा है और एक ये चीज़ के उनके अंदर भी ये डर है कि स्टूडेंट और टीचर जो है सबको उतरेंगे। तो आप दिन दिहाड़े करते तो लोग तमाम पूरा दिन आपको घेरे रहते, उससे ही डर के सरकार जो है रातों रात लोगों को उठाती है। हमारी यही डिमांड है कि प्रोफेसर रतन लाल को फौरन रिहा किया जाए। लेकिन आपको पता है जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया है इतना, उसको और तरीके से भी कहा जा सकता था? नहीं, उन सरकाजम को और किसी भी बात को कहने के हजारों तरीके, जैसे कि रामनवमी पे चारों ओर दंगे हुए और प्राइम मिनिस्टर के मन की बात में सिर्फ ओ माई गॉड निकला, इसको कहने के भी तो बहुत सारे तरीके हो सकते थे, इसमें भी हमें बात करनी चाहिए। और उस ट्वीट के नीचे तमाम जो टिप्पणी आए जिसमें रतन लाल की जान को खतरा बन गया, जिसमें उसके बच्चे को मारने की धमकी दी गई, उसका भी विश्लेषण करें, उसका उसकी भी गिरफ्त उसको भी सरकार और पुलिस देखे।